रिड्यूसिंग सुगर्स, ओके। स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। अब देखिए, बाय डिफिनेशन एनी सुगर विच इज कंटेनिंग ए हेमी एसिटल इज ए रिड्यूसिंग सुगर। ठीक है, सो यू कैन सी, अगर आप लास्ट क्लास में पढ़े थे, हेमी एसिटल कैसा होता है, ये बीच में कार्बन है, ओके। सो दिस कार्बन, टू दिस कार्बन देर इज वन, इट इज वन ऑक्सीजन इज देयर, इट इज कोवेलेंटली लिंक्ड विद द सिंगल बॉन्ड विद वन ऑक्सीजन, एंड वन टू दैट ऑक्सीजन देर इज एन एलिफेटिक ग्रुप अटैच्ड, अनदर एलिफेटिक ग्रुप कैन ऑल्सो बी अटैच्ड। एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरे तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दिस इज द हेमी एसिटल। तो ये साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में यू सी दिस हेमी एसिटल एट द कार्बोनिल कार्बन, वेयर वन ओ एच ग्रुप एंड वन ओ आर ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन, ओके। सो दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हेमी एसिटल फॉर्म होने के बाद इक्विवेलेंट एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के साथ ये इक्विलिब्रियम में रहता है। और एसिटल क्या है, यही जो है ओ एच फिर से रिप्लेस होकर के यहाँ पर सेकेंड ओ एच के साथ इंटरेक्ट हुआ, तो नाउ दिस ओ एच इज रिप्लेस्ड विथ अनदर ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज अगेन अटैच टू द वन एलिफेटिक ग्रुप। ये हो गया आप, ये एसिटल आप देखते हो डाइसैकेराइड में। सो सुगर्स विथ ए हेमी एसिटल आर इन इक्विलिब्रियम विथ ए रिंग ओपन फॉर्म containing an aldehyde and will react as a reducing agent towards certain oxidizing metal salts such as cupric iron, Benedict's test में होता है cupric iron and Fehling solution and silver ions present in the Tollens reagent। देखिए, this is the glucose molecule, this is hemiacetal here, and in fructose hemiacetal is here, hemiacetal is present at the carbonyl carbon, okay। Now, yes, sugar without hemiacetal group is non reducing, sugar having hemiacetal group is रिड्यूसिंग, जिसमें हेमी एसिटल नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग है। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज में दोनों कार्बोनिल कार्बन इज इन्वॉल्व इन द एसिटल फॉर्मेशन, सो नो हेमी एसिटल इज अवेलेबल हियर, नो हेमी एसिटल, सो दिस इज सुक्रोज, दैट इज वाई इट इज नॉन रिड्यूसिंग। एक एग्जाम्पल और थोड़ी देर पहले दिखाए थे ट्री हेलोज, वो भी नॉन रिड्यूसिंग था। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट टेस्ट फॉर क्वांटिफाइंग ब्लड ग्लूकोज इन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रिलाइज ऑन अ रिएक्शन वेयर क्यूप्रिक आयन इज रिड्यूस्ड बाय एन एल्डिहाइड रिजल्टिंग इन ए कलर चेंज। इस प्रिंसिपल को यूज करके शुगर को मेजर किया जाता है ब्लड में। Okay, so before we talk about the reducing sugar, the chemistry of peeing on the stick, three visual tests for the presence of aldehyde, Benedict's, Fehling's and Tollens test. Before we get to sugars, let's talk about the oxidation of aldehydes. बता चुके हैं आपको, aldehyde का oxidation होगा तो क्या बनेगा, carboxylic acid. Okay, we have seen previously that the aldehyde are a functional group that can be oxidized relatively easy to carboxylic acids. कौन मैसेज किया है? कट कर दिया मैंने।
वन सेकेंड, गलती से मैंने स्क्रीन को कट कर दिया है। सो द सुगर विदाउट ए हेमी एसिटल इज नॉन रिड्यूसिंग। सो यू कैन सी हियर थ्री विजुअल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड्स। विजुअल टेस्ट है क्योंकि कलर प्रेसिपिटेट ऑब्टेंड होता है। बेनेडिक्ट स्टेट्स, फेलिंग स्टेट्स एंड टॉलरेंसेस। बेनेडिक्ट टेस्ट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फेलिंग टेस्ट बेसिकली। सो यू वी हैव सीन दैट द एल्डिहाइड्स जो है ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स विथ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लाइक क्रोमिक एसिड रिजल्ट इन एन एल्डिहाइड दैट इज क्विकली ऑक्सीडाइज फर्दर टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज रिड्यूस्ड। अनदर वे ऑफ फ्रेमिंग दिस इज टू से दैट द एल्डिहाइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस प्रोसेस। बता चुके हैं आपको, एल्डिहाइड आपका सुगर हो गया, वो हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट। किसके लिए? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया है रिएक्शन में, जैसे बेनेडिक्ट, फेलिंग्स और टॉलर, वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस। और सुगर को बोला गया रिड्यूसिंग एजेंट, तो सुगर क्या हो गया एट द एंड ऑफ द रिएक्शन? ऑक्सीडाइज्ड। ओके, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया रिड्यूस्ड। देखिए यहां पर सुगर जो है ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, एंड ऑक्सीडेंट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिड्यूस हो गया। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए जोन्स ऑक्सीडेशन, ये क्रोमिक एसिड वाला, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप जो है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस क्रोमिक एसिड इन द एक्वस H2SO4 एंड एसीटोन सॉल्यूशन, इट इज गिविंग राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्रोमियम आयन 3+। यहां पर क्रोमियम आयन जो था, यहां ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, बट हियर द क्रोमियम आयन इज हैविंग 6+ चार्ज O3, एंड हियर द क्रोमियम 6, हियर क्रोमियम 6 है, और यहां पर जो है क्रोमियम 3 हो गया, 3+ चार्ज है। तो यहां पर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये रिड्यूस हुआ। ओके, सो द लिस्ट ऑफ रिएजेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड इज लॉन्ग। बहुत सारे रिएजेंट हैं जो कि एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और ये लिस्ट बड़ा लंबा है। एक तो ये देख लिया आपने एग्जांपल, फिर फेलिंग्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, ये सब एग्जांपल है। ऑफ दिस ए फ्यू मेथड्स स्टैंड आउट इन प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलरली क्लियर विजुअल इंडिकेशन दैट द रिएक्शन हैज प्रोसीडेड टू कंप्लीशन। सो फर्स्ट वन इज फेलिंग्स सॉल्यूशन, where an aldehyde changes to the color of a blue solution to red, yani cupric ho gaya, Cu2+, CuSO4 mein hai ye present, and that color of that solution is blue, to red cuprous state mein Cu1+, Cu2O, iska color hai red, फेलिंग सॉल्यूशन का ये प्रिंसिपल हो गया। और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में ये दिस द सेम प्रिंसिपल, बट देयर इज स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द फेलिंग सॉल्यूशन, इट इज इन एडिशन टू CuSO4 अदर सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट, CuSO4 इज कॉमन, बेसिकली द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज CuSO4, बट इन एडिशन टू CuSO4 देयर इज अ बफर सिस्टम आल्सो प्रेजेंट, सो दिस इज द मॉडिफाइड बफर सिस्टम हियर in Benedict solution, but the oxidizing agent is same, that is cupric ion in the Benedict solution. And in tolerance test what happens, the aldehyde
ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन ए ब्यूटीफुल मिरर ऑफ सिल्वर मेटल टू प्रेसिपिटेट ऑन द रिएक्शन वेसल। इसमें क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट में दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट, एजी, ठीक है, अमोनिया NH3 है और वो ट्वाइस है। तो एजी जो है उस पर प्लस टू चार्ज है, ओके। एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय सिल्वर वन, ओके, नहीं प्लस टू नहीं, प्लस वन चार्ज है इस पूरे के ऊपर, प्लस वन, ओके। तो दिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड इनटू जीरो चार्ज, एंड देन सिल्वर बिकॉज दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, तो अब चार्ज अगर जीरो हो जाएगा तो सिल्वर विल कम आउट फ्रॉम दिस आयनिक कंपाउंड एंड यू विल गेट द प्रेसिपिटेट, पाउडरी प्रेसिपिटेट, मिरर लाइक ब्राइट प्रेसिपिटेट यू विल ऑब्टेन इन दिस एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, ओके। सो दिस इज अ रिडॉक्स, दिस ऑल्सो इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं, जहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है आप लोग बताइए, इतनी बार बोल चुका हूँ, रिडक्शन किसका, यस रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो ये कंपाउंड था इसका रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का, गुड। सो सिल्वर वन इज रिड्यूस्ड बाय द एल्डिहाइड फॉर्मिंग एन एटॉमिक सिल्वर व्हिच फॉर्म ए मिरर ऑन द रिएक्शन फ्लास्क। अभी पिक्चर में दिखाऊंगा आपको, देखो ये फोटो दिख रहा है आपको, थ्री कॉमन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। फर्स्ट वन इज बेनेडिक्ट्स टेस्ट, ये है आपका क्यूप्रिक बेनेडिक्ट रिएजेंट बिफोर द रिडक्शन ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ब्लू कलर था, अब रिडक्शन हो गया इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, यानी ऑक्सीडेशन हो गया इसमें जो एल्डिहाइड प्रेजेंट था उसका, तो इन द रिएक्शन मिक्सचर यू गेट द रेड प्रेसिपिटेट, रेड कलर। फेलिंग्स का भी सेम प्रिंसिपल है, ठीक है, तो कलर भी आप देख लो, यहां भी रेड आ रहा है, थोड़ा सा ब्रिक रेड है, डल टाइप का है, एंड दिस रिएजेंट इज ऑल्सो बिफोर द रिडक्शन ब्लू कलर, थोड़ा डल टाइप का है, तो इसीलिए मॉडिफाइड फॉर्म है बेनेडिक्ट टेस्ट, ओके। इसका टॉलेंस में देखिए, आप यहां देख रहे हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर आफ्टर द रिएक्शन इन द एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब यू आर गेनिंग द सिल्वर मिरर लाइक प्रेसिपिटेट, एंड हियर एजी प्लस इज कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन। दिख रहा है ये पिक्चर आपको, टॉलेंस टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर यू कैन ऑब्जर्व द डिफरेंस। सो इन ईच केस द एल्डिहाइड हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड टू ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट जो था यानी क्यूप्रिक और सिल्वर हैज बीन रिड्यूस्ड, ओके। अब सवाल आपके मन में उठेगा, कौन कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग है, आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। अब देखिए कीटोन के संदर्भ में क्या लिखा है, इंपॉर्टेंटली कीटोन्स डोंट रिएक्ट अंडर एनी ऑफ दीज कंडीशंस बट दे आर ऑल्सो बिहेविंग एज रिड्यूसिंग शुगर, व्हाई आई विल टेल यू, द एबव टेस्ट वेयर ऑल्सो ए वेरी यूजफुल वे ऑफ डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड्स फ्रॉम कीटोन्स इन द डार्क डेज बिफोर IR एंड NMR स्पेक्ट्रो copy made this routine, okay. So what does this have to do with the sugars, reducing sugars, sugars are with a hemiacetal functional group, give positive taste since they are in equilibrium with an open chain aldehyde, reducing sugars, sugars with a hemiacetal functional group,
that give positive test since they are in equilibrium with an open chain aldehyde. So this is the definition of reducing sugar. So we have seen that glucose is in equilibrium with an open chain or linear form containing an aldehyde. The cyclic forms of glucose are in equilibrium with a linear form containing an aldehyde. Okay. So here you can see, this is alpha isomer in the chair-like structure. अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये भी रिंग स्ट्रक्चर ही है बेसिकली. एक्चुअली होता है ग्लूकोज इसी स्टेज इसी तरह से इन सॉल्यूशन, 36% इन इक्विलिब्रियम. और बीटा डी ग्लूकोज में ये तब्दील होते रहता है, अल्फा से बीटा डी में डायरेक्ट नहीं हो सकता है इस ट्रांजिशन, बीच में लिनियर फॉर्म इज द इंटरमीडिएट स्टेज. So almost all the monosaccharide units, all the glucose units are in the chain structure, but there is an intermediate stage. So this conversion is taking place. एक बार जो alpha D glucose बन गया वो हमेशा alpha D glucose बना हुआ नहीं रहेगा, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वो फिर linear form में आ जाएगा, फिर linear से beta D glucose बन गया, फिर बीटा डी ग्लूकोज से फिर वापस लीनियर फॉर्म में आ गया, फिर अल्फा डी ग्लूकोज बन गया. इसी तरह से ये पेंडुलम जैसा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है चेंज होते रहता है इन द एक्वस सॉल्यूशन. तो जब जैसे ही रिंग फॉर्म जो है आया आपका लीनियर फॉर्म में, नाउ द एमी एसिटल ग्रुप जो था अब एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज हुआ. सो दिस एल्डिहाइड इज अवेलेबल फॉर दैट रिएक्शन टू गेट इट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर. So the concentration of aldehyde at any time, at any given time, is small, less than 1%. Okay, but long lived enough to be trapped with a right reagent. So this means that glucose will give a positive test with Benedict's reagent, failing solution, or the tolerance test, and the aldehyde will be oxidized to a carboxylic acid. तो ये क्वांटिफिकेशन किया, बेसिकली प्रिंसिपल आप समझ लो. सो बेनेडिक्ट टेस्ट इज इन स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज, क्योंकि सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, माइनोज गैलेक्टोज ये भी जो है आपका कलर प्रेसिपिटेट दे देगा सारे एल्डिहाइड. सो इट जस्ट टेल्स यू इफ एन एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, सो इट विल ऑल्सो गिव ए पॉजिटिव टेस्ट फॉर other reducing sugars. In short, any sugar, monosaccharide or disaccharide, with a hemiacetal will also give a positive test. Since these sugars are in equilibrium with an open chain aldehyde. So if the blood urine contains common monosaccharides like mannose, galactose, fructose, this will deliver a positive test. So अब आप देखिए, जितने भी ये मोनोसेक्राइड्स है, मैनोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज, सबके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, हेमीएसिटल ग्रुप है, किसमें? चेन स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर में हेमीएसिटल ग्रुप है कार्बोनिल कार्बन पर, यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन फ्रुक्टोज का है. और दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद द ओपन चेन, तो ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप है. सो दिस एल्डिहाइड ग्रुप एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप हियर, this can react with the mild oxidizing agent such as CuSO4. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. So ketones aren't supposed to. अब देखिए यहां पर सवाल जवाब है, फ्रुक्टोज क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि कीटोन्स जो है aren't supposed to oxidize under these conditions. So why does fructose give a positive test? Because fructose is a keto sugar,
एंड कीटोन्स जनरली गिव ए निगेटिव टेस्ट विद द बेनेडिक्ट बट दिस इज एन एक्सेप्शन फ्रुक्टोज. क्यों? क्योंकि इफ द कार्बन एडजेसेंट टू द कीटोन कार्बन द अल्फा कार्बन. कीटोन कार्बन कौन है इसका? अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन कौन है? कार्बन नंबर वन. कीटोन कार्बन कौन है? ये हेमी एसिटल वाला कार्बन, फर्स्ट सेकेंड कार्बन, जिसमें दिस वन इज द सेकेंड कार्बन एंड दिस वन CH2OH का ये है अल्फा कार्बन, वन कार्बन. ठीक है, इसीलिए इसको लिखा गया अल्फा हाइड्रोक्सिल कीटोन. अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस OH ग्रुप. बिकॉज ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, बिकॉज फ्रुक्टोज इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड द अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मीन्स इफ द कार्बन एडजेसेंट टू द कीटोन कार्बन. कीटोन कार्बन मीन्स कार्बोनिल कार्बन, एंड द कार्बन एडजेसेंट टू द कीटोन कार्बन, कार्बन नंबर वन इज हाइड्रोक्सिल अल्फा कार्बन, कंटेन ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप. द कीटोन विल बी इन, देन कीटोन विल बी इन इक्विलिब्रियम विथ एन एल्डिहाइड थ्रू टॉटोमेराइजेशन. अगर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है देन कीटोन ग्रुप जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा विथ एन एल्डिहाइड, कोरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड वाय द प्रोसेस कॉल्ड एज टॉटोमेराइजेशन. सो अब ये दिस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप कैन गिव राइज टू to an LD corresponding aldehyde. Okay, after the opening of the ring chain structure. So, alpha hydroxy ketones are in equilibrium with aldehydes through tautomerization. So, fructose also count as reducing sugar. समझ में आया आप बात आपको? तो वो sugar. Yes, sir. वो शुगर जिसके पास या तो हेमी एसिटल ग्रुप है या अल्फा हाइड्रोक्सी कहा गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है जैसे कि फ्रुक्टोज या हेमी एसिटल सारे मोनोसेक्राइड्स और सम ऑफ द डाइसेक्राइड्स, वो सारे सब हो गए आपके रिड्यूसिंग शुगर. देखिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. ओके, ये फ्रुक्टोज में है. सो दिस विल गिव राइज टू इंटरमीडिएट इनेडियोल, यही टॉटोमराइजेशन है. ठीक है, इंटरमीडिएट इनेडियोल स्ट्रक्चर एंड दिस विल बी इक्विलिब्रियम विथ अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. सो दिस इज फ्रुक्टोज इज गिविंग द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर द टॉलेंस बेनेडिक्ट एंड फ्रेलिंग्स टेस्ट. सो लाइक वाइज सम डाइसेक्राइड्स सच एज माल्टोज एंड लैक्टोज also contain hemiacetal. Discuss कर चुके हैं. Maltose में देखिए, they are also reducing sugar that give the positive test for these Benedict's Fehling's and Tollens test. So lactose में देखिए, lactose and maltose are two reducing sugars. Maltose में देखिए, क्या है? Hemiacetal, acetal का formation हो गया. ठीक है, first glucose में via the addition of second OH and the glycosidic bond formation has taken place. So the acetyl has formed. So no more formation of aldehyde possible here. But the second glucose unit, here the carbonyl carbon is free, hemiacetal group is free. This can give rise to, this will give the positive result for the Benedict test. So maltose is reducing sugar. Lactose is also because of the availability of this hemiacetal group, this will give the positive test for the Benedict's reagent. So the bottom line is that Benedict's reagent quantifies reducing sugars, which include not just glucose, but also mannose, lactose, maltose, fructose, and others.
ब्लड में सैंपल से अगर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के माध्यम से अगर टेस्ट करेंगे तो सब का मिला हुआ वो टोटल रिजल्ट देगा कि इतना लेवल है आपका टोटल नंबर ऑफ रिड्यूसिंग सुगर्स प्रेजेंट इन द बॉडी, प्रेजेंट इन द सर्कुलेटिंग ब्लड। सो व्हाट इज इन, तो सवाल ये तो कौन सा सुगर जो है रिड्यूसिंग सुगर में, सारे तो लग रहे हैं रिड्यूसिंग नहीं, ऐसा नहीं है, वो सारे सुगर्स रिड्यूसिंग सुगर्स नहीं है जिनके पास हेमी एसिटल ग्रुप या तो नहीं है या एसिटल ग्रुप वर्सेज हेमी एसिटल ग्रुप जो रेशियो है वो काफी, हेमी एसिटल वर्सेज एसिटल रेशियो जो है वो काफी लो है, जैसे कि स्टार्च। टू मेन रीजन, मोनो एंड डायसेक्राइड्स विच लैक हेमी एसिटल और पॉलीसेक्राइड्स जिसमें रेशियो ऑफ हेमी एसिटल टू एसिटल लिंकेज इज वेरी लो, जैसे कि स्टार्च। तो स्टार्च क्यों है, तो स्टार्च इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ लीनियर चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, पॉलीमराइज हुआ है, तो वन से लेकर के लास्ट तक सब एसिटल फॉर्म में है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जो सबसे एंड वाला था राइट हैंड साइड में, उसी का सिर्फ कार्बोनिल कार्बन फ्री है। एक चेन में स्टार्च पॉलीमर के एक चेन में 700 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स तक हो सकते हैं। तो 699 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो सब में सब एसिटल फॉर्म में है और एक लास्ट वाला जो है हेमी एसिटल है। सो द रेशियो देयर हेमी एसिटल टू एसिटल इज वेरी लो। सो पॉलीसेक्राइड सच एज स्टार्च आल्सो बिहेव लाइक ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर। बात समझ में आई? बट समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर, यस सर। व्हाट अबाउट ग्लाइकोजन, कोई बोल सक बता सकता है ग्लाइकोजन रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? ग्लाइकोजन जो है वो आपका रिड्यूसिंग सुगर है, स्टार्च जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि एक ही चेन है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, ठीक है, ए लीनियर चेन है, ये स्टार्च हो गया। तो ये 700वां जो राइट हैंड साइड में जो लास्ट ग्लूकोज है इसका कार्बोनिल कार्बन ही फ्री है, यानी वहां पर एक हेमी एसिटल ग्रुप है। बीच में जितने भी हैं सबका कार्बोनिल कार्बन इज इंगेज विद द एसिटल फॉर्मेशन। सो स्टार्च इज नॉन रिड्यूसिंग, बट ग्लाइकोजन इज ब्रांच्ड। पॉलीसेक्राइड ऑफ ग्लूकोज, अब ब्रांचिंग की वजह से देयर आर मेनी एंड्स विच हैज बीन क्रिएटेड, सो एट ईच ऑफ दीज एंड देयर इज वन हेमी एसिटल ग्रुप, यस और नो? यस सर, सर समझ में आ रहा है अंतर दोनों में? यस सर। स्टार्च जो है लीनियर मॉलिक्यूल है, तो एक ही एंड है, फर्स्ट एंड पर तो उसका कार्बोनिल कार्बन इस फर्स्ट एंड पर तो उसका जो था फोर्थ वाला फ्री था कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, बट फर्स्ट का कार्बोनिल कार्बन इज इंगेज विद द एसिटल, फिर उसी का सेकेंड का थर्ड का सब एसिटल फॉर्मेशन में इंगेज है। हेमी एसिटल जो फ्री है वो सिर्फ एक ही एंड पर जो ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर वन फ्री है, वहां पर हेमी एसिटल ग्रुप है। सो हियर द रेशियो ऑफ हेमी एसिटल बाय एसिटल इज, अगर 700 मॉलिक्यूल है तो 1/700,
हो गया स्टार्च में। और ग्लाइकोजन में इट इज ब्रांच्ड, सो देयर आर मेनी एंड्स वेयर द कार्बोनिल कार्बन इज देयर इन द हेमिएसिटल ग्रुप, सो हियर दिस रेशियो इज हाई इन द ग्लाइकोजन हेमिएसिटल टू एसिटल रेशियो। अब समझ में आया? So saccharides that lack a hemiacetal are not reducing sugar. तो वो वाले saccharides देखिए जिसके पास hemiacetal नहीं है, जैसे sucrose. We saw at the top of the post that hemiacetals are in equilibrium with an aldehyde or ketone. In contrast, acetals or ketals are locked. Acetals or ketals are locked. एसिटल फॉर्मेशन हो गया, लॉक्ड हो गया, वो अब रिड्यूस नहीं हो सकता है, सॉरी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। इन प्लेस हेमिएसिटल ही जो है अनलॉक्ड है, वो ऑक्सीडाइज होगा, तो लॉक्ड हो गया है। सो इन प्लेस एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड बैक टू द एल्डिहाइड और कीटोन विद द एक्वस एसिड। ओके, दैट्स व्हाई दे मेक ग्रेट प्रोटेक्शन फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। लाइट का बड़ा प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है क्या तुम लोग की तरफ? यस सर। बारिश भी हो रही, लाइट भी कटी है सर। हाँ, मेरे यहाँ भी सेम प्रॉब्लम। और एनीवे ये नॉन रिड्यूसिंग समझ लो। फिर ब्रेक ले लेंगे थोड़ा देर का। सो द पोस्ट, ओके सर, ठीक है। तो पोस्टर चाइल्ड ऑफ ए नॉन रिड्यूसिंग सुगर इज सुक्रोज। बहुत ही कॉमन है पोस्टर चाइल्ड, क्योंकि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। टेबल सुगर भी है जो आप यूज करते हो, ये नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है। ये नॉन रिड्यूसिंग सुगर है, इसीलिए इवोल्यूशन में ये सेलेक्ट हो गया सुक्रोज, कि ये नॉन रिड्यूसिंग सुगर। सो दैट इज व्हाई प्लांट यूज द सुक्रोज एज द स्टोरेज फॉर द एनर्जी or the transport for, or also for the transport of carbohydrate molecules through its different parts, okay, in plants. क्योंकि sucrose जो है एक stable sugar है, इसीलिए plant इसको use कर रहा है। So sucrose is a disaccharide of glucose and fructose. See if you can find a hemiacetal in this structure. कहीं नहीं मिलेगा, दोनों acetyl group बन के यहाँ पर बन गया। हेमिएसिटल इज नॉट अवेलेबल, सो हेमिएसिटल फंक्शनल ग्रुप एंड देयरफॉर लॉक्ड इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। सो देयर इज इन वन सुक्रोज ओनली हैज एसिटल ग्रुप्स, एंड सिंस एसिटल्स जो है दोनों तरफ एसिटल है, एसिटल्स डोंट ओपन टू एल्डिहाइड अंडर द बेसिक कंडीशन प्रेजेंट इन द बेनेडिक्ट स्टेट, सुक्रोज इज not a reducing sugar, and sucrose gives a negative test to the Benedict solution. So another example of non-reducing sugar are also called glucosides of common sugar, such as glucose methyl glucoside below. Now see, methyl group ho gaya, OH is not available, okay. So here OH group is attacked by methanol. CH3OH has condensed into the hemiacetal OH group of this hemiacetal. पहले ये acetyl formation से पहले यहां पर OH था, और इस OH से methanol CH3OH interacted with it. तो H2O निकल गया, अब ये ऑक्सीजन जो है रेड वाला ऑक्सीजन हेमिएसिटल ग्रुप का ही पहले था, एंड नाउ टू दिस ए मिथाइल ग्रुप इज अटैच। सो दिस मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, R ग्रुप अटैच, तो ये हेमिएसिटल से ये एसिटल फॉर्म में तब्दील हो गया है। ये दिस ग्रुप हियर इज नाउ एसिटल बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ द सेकेंड OH ग्रुप।
कमिंग फ्रॉम द मिथेनॉल. सो डी ग्लूकोज मिथाइल ग्लूकोसाइड, सो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज, सो दिस विल बी ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ओके, अब देखिए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स विच ओनली हैव ए सिंगल हेमी एसिटल यूनिट डोंट काउंट एज रिड्यूसिंग शुगर. जैसे कि स्टार्च बताया ही आपको, उसमें हेमी एसिटल टू एसिटल रेशियो कम है. सो शुगर्स आर एबल टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विथ ईच अदर इन अरेंजमेंट्स नोन एज पॉलीसेक्राइड्स. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन. ओके, सो द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल शुगर यूनिट्स इन दीज पॉलीसेक्राइड्स आर जॉइंट टू ईच अदर वाया एसिटल लिंकेजेस एंड हेमी एसिटल्स आर प्रेजेंट बट ओनली एट द टर्मिनी ऑफ द पॉलीमर. सो स्टार्च फॉर एग्जाम्पल जनरली has about 300 to 600 individual units of glucose, but only one unit, एक terminus पर ही सिर्फ एक hemiacetal है. So one hemiacetal needle in a haystack of acetals, यानी बहुत सारे acetals group में सिर्फ एक hemiacetal group है, जिसकी वजह से it is not enough to give positive test for the reducing sugar. कौन? स्टार्च. देयरफॉर दीज पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट कंसिडर्ड रिड्यूसिंग शुगर. फॉर एग्जाम्पल स्टार्च गिव्स ए निगेटिव टेस्ट. हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर बेनेडिक्ट टेस्ट. सो दिस इज, वो ये पिक्चर रिपीट कर दिया है ग्लूकोसाइड का. नोट दैट स्टार्च एंड सुक्रोज आर ब्लू. नोट दैट स्टार्च एंड सुक्रोज आर ब्लू, क्लासिफाइंग देम एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो बेनेडिक्ट में मिलाने के बाद भी ब्लू ही कलर रह गया. So that's enough about what classifies a reducing sugar from a non-reducing sugar. Here is the last step. Test yourself. What is a reducing sugar and what is not? Now see. Can you guess from these figures which one is reducing and which one is non-reducing? Hemiacetal dhund sakte ho? First one is definitely reducing.